बहुत बहुत स्वागत है आपका एलएनवी टीवी में। लोकतंत्र का पर्व मतदान दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के वातावरण में पूरे प्रदेश भर में मनाया गया। नौ मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया। काफी बढ़ चढ़कर इन्होंने मतदान में हिस्सा लिया, अपना मताधिकार का प्रयोग किया। दमोह जिले में भी 8,94,448 मतदाता दर्ज हैं और जिसमें से 6,59,987 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का यहां पर प्रयोग किया। 73.79% यहां पर मतदान दर्ज किया गया है। 75.74% पुरुष और 71.65% महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 1,181 यहां पर मतदान केंद्र बनाए गए थे और जिन पर 114 सेक्टर ऑफिसरों ने अपनी सेवाएं दी। मतदान पूर्ण हुआ और उसके बाद सारी की सारी ईवीएम मशीनों को संगीनों के साए में सुरक्षित रख दिया गया। स्थानीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के जो अंदर जो स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं, जहां पर मतपेटियों को ईवीएम मशीनों को सुरक्षित रखा गया है, वहां पर लगातार संगीनों के साए में उनकी निगरानी हो रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी तथा कलेक्टर डॉक्टर जे विजय कुमार, पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल और उनका अधीनस्थ जो अमला है, वह लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहा है। अचानक है कलेक्टर तथा जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर जे विजय कुमार और पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने बारीकी से पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया, एक एक बिंदु पर चर्चा की तथा अधीनस्थ अमले को दिशा निर्देश भी दिए। आइए देखते हैं एलएनवी टीवी के माध्यम से क्या हुआ पॉलिटेक्निक कॉलेज में, किस प्रकार दिशा निर्देश दिए गए और किस प्रकार निरीक्षण किया गया। लोकतंत्र का पर्व मतदान दिवस पूरे प्रदेश भर में हर्षोल्लास के वातावरण में मनाया गया। नौ मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया। बात करें दमोह जिले की तो 8,94,448 मतदाता यहां पर दर्ज हैं, जिसमें से 6,59,987 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यहां पर 73.79% मतदान दर्ज किया गया है। 75.74% पुरुष और 71.65% महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान संपन्न होने के पश्चात ईवीएम मशीनों को संगीने के साये में रख दिया गया है। पॉलिटेक्निक कॉलेज में भारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, जहां पर ईवीएम मशीनें सुरक्षित रखी गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर जे विजय कुमार, पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल, अपर कलेक्टर आनंद कुपरिया ने स्थल का निरीक्षण किया। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, लगातार वह निगरानी कर रहे हैं और आवश्यक दिशा निर्देश उनके द्वारा अधीनस्थ अमले को दिए गए। ताजातरीन समाचारों के लिए देखते रहिए एलएनवी टीवी, जुड़िए हमसे, हम बनेंगे आपकी आवाज। नमस्कार।